बाजार पे व्यू दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके की तेजी, तेजी के बाद गिरावट, गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन रिकवरी फिलहाल 18,000 के आसपास ही काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, और आगे का एक शॉर्ट टर्म में व्यू क्या है और लॉन्ग टर्म देखिए, में क्या है? एक मेरे ख्याल से जो मार्केट गिरा था वो लास्ट वीक में, आई थिंक सबको पता था कि कोविड की न्यूज थी, और एक इंटेंशन था, और मैंने काफी पिछले टाइम से मैं कह रहा हूँ कि ऊपर के लेवल पे आपके स्टॉक्स में मेजोरिटी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए होनी चाहिए, और उसको जस्ट एक वो सेंटिमेंट मिल गया और उसके बाद ये करेक्शन आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कोई बेरिश, बड़ा बेरिशनेस कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा हल्का बेरिशनेस हुआ है। और आज के लिए मैं बात करूंगा तो 18,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं पे थोड़ा सा माइनर डिप आके वहीं से होल्ड कर रहा है। लेकिन क्योंकि आज की मंथली एक्सपायरी है, साल की आखिरी एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक बार वापस से निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है 18,000 के नीचे जाने की। लेकिन ओवरऑल बड़ी बेरिशनेस ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही। उसका एक मेजर कारण है कि फेब्रुवरी में, हम सभी को पता है कि 1 फेब्रुवरी को बजट आने वाला है, तो नेक्स्ट वीक से, यानी जैन के फर्स्ट वीक से, साल के पहले वीक से पूरे बजट बेस के ऊपर मार्केट चलना शुरू हो गया 1 महीने तक। तो वहां तक तो ऐसा कोई मेजर बेरिशनेस नहीं दिखता है, लेकिन अगर कोई बेरिशनेस आता है ग्लोबल मार्केट के कारण या किसी सेंटिमेंट के कारण, तो मेरे ख्याल से मार्केट एक बार 17,500 से लेके 17,400 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन उसके नीचे पॉसिबिलिटी फिलहाल बजट तक नहीं है। उसके बाद वापस से अगर ऊपर की तरफ आएगा तो मार्केट 18,500 से लेके 18,700, और हो सकता है बजट के आसपास मार्केट वापस एक बार अपना नया लाइफ टाइम हाई बना दे। तो ये व्यू रहेगा मार्केट के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक होना अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए, पूरे साल के लिए थीम रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। ओवरऑल पूरा मार्केट शायद पूरे 1 साल का व्यू दूंगा तो शायद नहीं चलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक ही अगर आपका फोकस रहेगा तो ही आपको इस मार्केट में पैसे बनेंगे। सारे सेक्टर शायद अगले साल नहीं चल सकते। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आंसर ये कह रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, इंडाइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इंडाइसेस में थोड़ा सा शायद एक वोलेटिलिटी या एक साइडवेज हो सकता है या कुछ उस तरीके का अनसर्टेनिटी रह सकती है, तो उससे बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाएं और वहाँ पर पैसा बन सकता है।